हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं मानक गुप्ता। आप देख रहे हैं न्यूज 24 E24। और मेरे साथ स्क्रीन पे आप जो दो चेहरे देख रहे हैं, कभी इन्होंने लेट 90s में और अर्ली 2000s में दुनिया भर में तिरंगा फहराया था और टेनिस कोर्ट पर वो कमाल कर दिखाया था जो कि न पहले कोई कर पाया और न लगता कि आगे कोई कर पाएगा। लियंडर पेस एंड महेश भूपति, वेलकम टू न्यूज 24 E24। कैसे हैं आप लियंडर, कैसे हैं आप? थैंक्स मानक, इट्स अ रियल प्लेजर टू बी विथ यू। सब एकदम ठीक ठाक है। रियली एक्साइटेड फॉर द 1st of October व्हेन ब्रेक पॉइंट गेट्स रिलीज्ड। वेरी एक्साइटेड टू सी हाउ द फैंस एंजॉय दिस जर्नी ऑफ आवर्स। ग्रेट महेश, आपके पीछे बहुत धूप आ रही है। लगता है आप भी अब ये सीरीज, पूरा जो फिक्शन सीरीज है, ये शूट करने के बाद, जिसका नाम ब्रेक पॉइंट है, ये शूट करने के बाद आप भी रिलैक्स कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं बस कब आएगी। Yeah, we've worked very hard for 18 months. I think everybody, including Nitesh sir, Ashwini, production team, us, and we're really excited, as the end said, for it to for everyone to give us feedback on October 1st. आप तो हिंदी बोलते हैं महेश, मैंने पहले आपका इंटरव्यू किया है बहुत साल पहले, आप हिंदी बोलते हैं, आज क्या हो गया? You're the second person who's told me that today, and honestly, I've never given a Hindi interview in my life, so I don't know where this information has come from. Maybe it's a dubbed interview. No, I remember. Okay. इसका तेलुगु भी I बहुत अच्छा remember. I was in. नहीं, मैं I was covering Sydney Olympics. मैं है। इतना हाँ, पीछे ले जा रहा हूँ आपको, और वहां पे वाह, याद है मैंने आपका इंटरव्यू किया है, आपने हिंदी बोली थी। जीसस, नो, आई डोंट, आई've नेवर, नेवर एवर गिवन वन इन हिंदी। Maybe one or two words. Happy to do ओके English. फाइन, ओके ऑल राइट, ओके फाइन। तो अपने दर्शकों को ये इंटरव्यू आगे ले जाऊं उससे पहले बता दूं, लियंडर पेस और महेश भूपति की टेनिस कोर्ट पर जो लाइफ थी उसके बारे में पूरी दुनिया जानती है। एक ही साल में चारों ग्रैंड स्लैम्स के फाइनल में पहुंचना, ऐसा कारनामा, वाकई आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आई गेट गूज बम्स, सीरियसली। What a tremendous feat it was. What a tremendous year it was, 1999. लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा हुआ, ये ड्रीम टीम टूट गई और किसी को नहीं पता क्या हुआ। फिर वापस आए, उसके बाद फिर अलग हो गए। अब ये जो एक फिक्शन सीरीज आ रही है, इसको फिक्शन सीरीज कहा जा रहा है, ब्रेक पॉइंट उसका नाम है। कहा जाता है कि उसमें सब कुछ बताया जाए, जो लोग जानते हैं वो तो जानते हैं, जो नहीं जानते हैं वो भी बताया जाएगा। लियंडर, क्या सचमुच अंदर की सारी बातें आपने बताई हैं इस सीरीज में? इस डॉक्यू सीरीज में हम काफी रियल स्टोरी कह चुके हैं, और जिस तरह से अश्विनी और नितेश भाई जिस तरह से ये स्टोरी बोर्ड किए हैं, इट इज वेरी वेरी ट्रू टू ह्यूमन इमोशंस ऑफ टू यंग इंडियन बॉयज ऑन हाउ वी वन विंबलडन एंड हाउ चैंपियंस आर मेड। तो ये जो ब्रेक पॉइंट का जो जर्नी है, ये अलग जर्नी भी है कि काफी सिचुएशंस में महेश एंड माई सेल्फ didn't get a chance in the last 20 years to even address those situations, but now through the makings of Breakpoint, we were even in a space where we could talk about it, laugh about it, communicate, and our respect and friendship even has come back so much more. So Breakpoint is a very real, raw depiction of our lives, and we could have had actors play our roles. We could have had actors play our parents or our siblings or our coaches and trainers, but we choose to do it ourselves. We choose to keep it so real that actually deals with issues that we face in India. Our upbringing are both in India. Our personalities are very Indian. Our character and our roots are very Indian. So all the nuances of two young Indian boys on how we won Wimbledon will be depicted in this series. So for me, it's a very important part to show how champions are being built and hence inspire a full generation of youngsters how they can become champions. बट मैं ये मानता हूं महेश के, अब जब आप विंबलडन कैसे जीता वो बताएंगे और पुरानी सारी जर्नी आप रिलीव करेंगे, आई एम श्योर यू विल ऑल्सो डिस्कस इन दिस सीरीज व्हाट हैपेंड, व्हाई यू फेल अपार्ट एंड व्हाट एक्चुअली वेंट ऑन बिहाइंड द कर्टन्स, करेक्ट? Yeah, I think that, yeah, I mean, talking about our tennis, we've done many times in the media before, so it was not necessarily to do this for that. I think the perspective each one of us had with
the regards to the issues that we both faced and possibly didn't address or in some cases addressed. I think that's what will come out through the whole series. Mahesh, honestly speaking, जब आप एकदम अपने पीक पर थे, आप रिग्रेट करते हैं आज जब पीछे देखते हैं कि काश हमने ब्रेकअप नहीं किया होता उस टाइम पे, हम लोग और कितने स्लैम जीत लेते? Honestly, I never regretted anything. I've always been extremely proud of the achievements that Leander and me have had since day one. You know, when we started playing, there were zero Grand Slams in the kitty when it came to Indian players. Today, there's over 30, 35 of them, I think. And, you know, we were the trendsetters. You know, the way it works is everyone asks me or us about the disappointment. We won three Grand Slams. If we won five, they would have been still disappointed. They would have said we would have won 10. If we won 10, they would have still been disappointed. We won 20. So, you know, that's just the way people think. But, you know, we've been extremely proud and we continue to be proud of what we achieved. And that's the way we look at it. Okay, Leander, aapko kuch regret hota hai? Kaash wo breakup nahi hua hota. I think through this docuseries, we also show our flaws. We also show how real the mistakes that we made. And if we could have at that point had the wisdom or had a senior figure to sit us both down and take us through the journey of how we could do it differently, it would have been maybe different. But then also we were two pioneers. In Indian sport, we are pioneers in how to win Grand Slams. Pehla kisi kiya hi nahi. I remember playing gully cricket and gully football in Calcutta, barefoot. So people used to ask me, आपका औकात क्या है विंबलडन जीतने के लिए? So the point कौन बोला? Who did that to you? So many. Growing up as a kid in India, when you say I want to win Wimbledon and I'm going to win Wimbledon, लोग पूछते हैं औकात क्या है तेरा? पहला जाके खेल के देखा. जीतने का बहुत दूर की बात. So hence in that, the thing I respect about what Mahesh and myself did and what our families did is that they believed in the dream that I had as a 14-year-old. When I first met Mahesh, I said, Wimbledon jeetne ka hai? He said, tu to pagal hai. What are you saying? Pagal hai, magar jeetne ka hai ki nahi? And then he put 10 hard years and he worked so hard and we worked hard together to achieve that. So jab episode 4 pe aap dekhenge ki kis tarah se hum log Wimbledon jeete hain, and the look on his face at the end of that episode, yaar, Manak, I wish I had seen it then. I only saw it now because, you know, khiladi jo hote hain, past achievements to dekhte hi nahi. Next achievement ke liye tayari karte hain. And I think that if in 2000 I had watched the look in Mahesh's eyes when we sat on that bench at Wimbledon after winning, maybe I would have seen what I meant to him. Maybe I would have seen that look in his eyes where, for someone who doesn't emote as much, his body language speaks. So maybe I would have seen that and it would have maybe made a difference. Huh? Maybe I take my responsibility of what I could have done differently. But hindsight is 20-20, Manak. अब आपने महेश के आंखों में वो एक्सप्रेशन की बात की है, तो महेश खुद बोलते हैं कि वो बहुत रिजर्व्ड हैं और सबको पता है वो रिजर्व्ड हैं अपनी प्राइवेट लाइफ में भी और वैसे भी इंटरव्यूज देने में भी. वो खुद मानते हैं इस बात को. उस पर मैं एक सवाल आपसे पूछूंगा, लेकिन पहले ये पूछ रहा हूं उससे, ये आइडिया ब्रेक पॉइंट बनाने का इनिशिएट कहां से हुआ था? क्या आपको अप्रोच किया गया था या ये आपका आइडिया था कि हमारी लाइफ पर एक इस तरह सीरीज बननी चाहिए? लियांडर, this opportunity has been coming to both of us as individuals or as a team many times. Or I felt that it should be done in a docu-series format because ye jo kahani hai bahut lambi kahani hai aur bahut zabardast kahani hai. So to do it in a feature film of an hour and a half or 2 hours would not have done it justice. Also, I believe that the way that Z5 has given Nitesh Bhai and Ashwini Ma'am a chance to tell the story, where they work with us literally on Zoom calls for months on end, story writing, script writing, dialogue writing, that then when we shot it, it was almost literally playing out real life again. And the way that Ashwini and Nitesh have
taken you for the journey of two young Indian boys on how we became champions, how the breakups happened, how real we were willing to keep those breakups in the episodes, and yet learn from it. I think that was the most enjoyable part for me. Mahesh, आपने तो बहुत safe feel किया होगा in the hands of Ashwini and Nitesh, क्योंकि उन लोग ने ऐसी अच्छी-अच्छी फिल्में बनाई हैं और sports पर बनाई हैं कि आपको लगा होगा कि बस इनसे अच्छा तो film maker आपकी story बताने के लिए कोई हो ही नहीं सकता है. Absolutely. I mean, I think that was a big part of us wanting to do this. You know, obviously he is not they're not only amazing storytellers, but the emotion that he brought out in the film Dangal, and when they both told us about how much they love tennis, I think that whole kind of package came together, and we said, you know, these are the right partners to make to tell the story. दंगल देखी है आपने महेश? Yes, many times. अच्छा हिंदी मूवीज आप देखते हैं? Yeah, with subtitles. तो ये जो सीरीज है आपकी, ये हिंदी में है, इंग्लिश में है या हिंग्लिश में? I think they're releasing it in 5 different languages, by the way. Okay. Yeah. Okay. महेश, कितना डिफिकल्ट था वो सारे के सारे टेंस मोमेंट्स लिएंडर के साथ ब्रेकअप के रिलिव करना? या नॉट टेंस, मोर इमोशनल आई वुड से. यू नो, आई थिंक द होल प्रोसेस वाज वेरी इमोशनल. आई मीन लॉट ऑफ गुड इमोशंस एज वेल. आई मीन व्हेन वी वॉच्ड अ लॉट ऑफ द फुटेज ऑफ द ओल्ड मैचेस एंड सम ऑफ द विन्स एंड सम ऑफ द interviews, I mean, that was all exciting as well. So obviously, you know, it was a fun process. Leander और महेश बहुत reserved हैं, जैसा मैंने पहले कहा. मेरा सवाल ये था, क्या आपको लगता है वो भी एक reason था कि उस समय अगर थोड़ा और communication better होता, वो ज्यादा express कर पाते, आप बेहतर समझ पाते, तो शायद वो partnership 2-3-4-5 साल और लंबा चलती. जब सब लोग डरते थे, अरे महेश लिएश 100%. ये जो ब्रेक पॉइंट का जर्नी जो है, शायद हम दोनों ने समझा कि इफ वी हैड अ लिटिल मोर विजडम देन, इफ वी हैड अ लिटिल बेटर अंडरस्टैंडिंग देन, एंड इफ वी वर अ लिटिल स्मार्टर. और मैं इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं कि क्योंकि मैं बड़ा भाई हूं, दैट मे बी एट दैट पॉइंट इफ once we started winning grand slams and started being number one in the world, there were many people who were coming on the team. Everybody wanted to be part of Lihesh. Ki tab, if we were still doing dinners alone, if we were still going to watch Sholay alone, if we were still listening to Kishore Kumar alone, then maybe 5 saal aur khel chuka, maybe we could have played a little longer, maybe we could have communicated a little better. Because there were really no big issues. It was just little cracks that were coming in. But even today, if you leave Mahesh and myself alone in a room, we're brilliant. Or on Zoom. Are you friends again, Mahesh? फिर से दोस्ती है आजकल? नहीं यार, क्यों? Unnecessary now, no? why would we spoil the fun now? Oh, got it. ओके, ऑलराइट. कुछ चीजें आप बचा कर रखना चाहते हैं डॉक्टर सीरीज की. अच्छा, तो कोई जैसे मैंने कहा, ये अभी लिएंडर मेंशन कर रहे थे कि जूम कॉल पे 1.5 साल तक लंबी लंबी जूम कॉल, सिर्फ ये जानने के लिए क्या हुआ था, कैसे हुआ था. ये सब कोविड की वजह से था ना महेश? क्योंकि ये लोग खासतौर से नितेश और अश्विनी के बारे में बात बहुत फेमस है कि वो जब भी कोई फिल्म बनाते हैं उसमें बहुत अंदर तक जाकर रिसर्च करते हैं. दंगल में बहुत रिसर्च किया था. तो आपके साथ रहने का मौका कोविड की वजह से मिला नहीं होगा, तो जूम पर वो ठीक से हुआ पूरा कम्युनिकेशन? या आई थिंक सो. आई थिंक देव डन एन अमेजिंग जॉब. आई मीन नॉट ओनली देयर टीम बट देयर यू नो कंटेंट आर्काइविंग टीम, द अमाउंट ऑफ फुटेज दे पुल्ड आउट, द अमाउंट ऑफ फोटोग्राफ्स, द अमाउंट ऑफ इंटरव्यूज दैट दे पुल्ड आउट, दैट वी फॉरगॉटन अ लॉट अबाउट दैट. एंड
I think that, like you said, they really dive deep into every subject that they work on. And, you know, unfortunately, we couldn't sit face to face, but we were putting in the hours on Zoom. So, कोई ऐसी चीज जो आपको खुद अपने इस रिलेशनशिप के बारे में या इस करियर के बारे में नहीं पता हो, जो इस रिसर्च के दौरान पता चली हो? I think I saw a lot of newspaper articles that, you know, I did not know, or I, you know, obviously when you're playing tennis, you don't get to see or read all the articles because you're in different countries and most of our media was India related. So I think a lot of newspaper articles, which I ended up seeing in the headlines that they showed, that I ended up seeing in some of the episodes, were, you know, stuff that I'd never seen before. सेम क्वेश्चन लिएंडर, आपको आपको कुछ ऐसा या तो जो भूल गए हो, याद आया हो इस रिसर्च के दौरान, या आपने रियलाइज किया हो कि यार वो मतलब ये क्या था ये जो हमने मिस कर दिया, सम एनीथिंग लाइक दैट? हाँ, हमारे डैडी स्क्रैप बुक्स रखते थे बचपन से लेके आज तक, और जितना आर्टिकल्स उस स्क्रैप बुक्स में है, 30 स्क्रैप बुक है, हर स्क्रैप बुक पे 1500 पेजेस है, तो इतना मटेरियल एक लाइफ टाइम में पढ़ नहीं सकते. मगर ये स्टोरी बोर्ड के लिए जब ऑफिस पे बैठा नितेश भाई और अश्विनी मैम का टीम के साथ, और वो सब स्क्रैप बुक्स खोल रहे थे, तस्वीर देख रहे थे, आर्टिकल्स देख रहे थे, कवर्स देख रहे थे, और उसका जो रिलेवेंस है इस कहानी के लिए, और बहुत कुछ पता चला. और आर्काइवल फुटेज जब देख रहे थे कि दो तीन लुक्स जो है, जो मैंने महेश को दिया या महेश मेरे को दिया, या जिस तरह से नवरोज उडवाडिया इतना बात कर चुके थे, या जिस तरह से संजय सिंह बात कर चुके थे, या जिस तरह से हमारे फैमिलीज, उसका व्यू पॉइंट क्या था तब और आज, बहुत इंटरेस्टिंग है. हर जन का अलग अलग व्यू पॉइंट है. और इस कहानी इतना बड़ा कहानी है कि हर जन का अलग अलग व्यू पॉइंट तो होना ही चाहिए. Correct. But it's nice to hear them now. आप रोए थे? Did you cry? Did you cry, Leander? यार मैं तो बहुत emotional हूँ. तो जितना rugged हूँ मैं, उतना emotional हूँ. तो हमारा character जो है काफी अलग है महेश से. मैं रो सकता हूँ और मैं काफी rugged भी, लड़ भी सकता हूँ. महेश जब भी emotional होते हैं तो वो रोते हैं? तो आप कैसे पता लगाते हैं कि ये यार ये emotional हो रहा है? हाँ, वो रोते हैं मगर बात ही नहीं करते, कुछ बताता ही नहीं. इतना ढूंढना पड़ते, इतना पूछना पड़ते. मगर वो कम्युनिकेट करते हैं, मगर थोड़ा टाइम लगता है. पर ये कैसी पर्सनालिटी है महेश भूपति? मैं भी हमेशा ऑल दीज इयर्स आई यूज्ड टू वंडर कि यार इतना रिजर्व, बात नहीं करना, इमोशनल नहीं होना, और जब ग्राउंड पे उतरते तो ओ माय गॉड क्या अग्रेशन, उफ. दैट फॉर मी और हिम. That one's still. That's for you, dude. You. He asked you about your personality, not me, dude. But I am asking you, Leander, about Mahesh. Yeah. Good luck. I mean, that's him, right? I mean, like we say, you respect somebody not to change them. You respect them to enjoy them for who they are. And sometimes, maybe when yin and yang come together, it completes each other. Sometimes when you look at his strengths being my weaknesses, my strengths being his weaknesses, not just even on the tennis court, but even off of it. That's how champions are won. That's how you are successful. But I think the essence of it is communication. I think through communication, you can have a much longer lasting friendship and respect. I think that is something that we both gained and learned from in the journey at Breakpoint. और महेश, आप अब जाहिर है मैं आपसे भी वही सवाल पूछूंगा. महेश, अभी तो आपने डॉज कर दिया. ग्राउंड कोर्ट के बाहर और अंदर इतना अलग अलग, आप कैसे, हाउ इज दैट? या वेल, व्हेन यू आर कंपीटिंग, आई मीन आई थिंक इट्स अ डिफरेंट, यू आर इन द जोन, दैट्स समथिंग दैट यू आर डूइंग, इट्स अ पैशन, इट्स योर लाइवलीहुड, यू नो. ऑफ द कोर्ट, आई मीन दैट्स लाइक लिएंडर सेड, दैट्स जस्ट मी. आई डोंट नो, It's been like that for many years. It's not something that it has been cultivated with a specific reason, but it just happened. अच्छा, वैसे कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम रहा होगा,
पर जब आप कोर्ट पे रहते थे तब तो बिना कुछ बोले जो कम्युनिकेशन होता था बॉडी लैंग्वेज से, यूज टू जैसे वो चेस्ट थंब देते थे और एक दूसरे के साथ देख के या बिना बोले सब हो जाता था, कभी आपको लगा यार ये लिएंडर ये कैसे है, मतलब बाहर बात नहीं होती है लेकिन अंदर इतना मैजिक क्रिएट हो जाता है? मानक 15 साल के अंदर 10,000 आवर्स, 3 मिलियन रेपिटेशंस, जो प्री रिक्विजिट है, जो चाहवट है चैंपियन बनने के लिए, दैट बिकम्स मसल मेमोरी. तो व्हाट आई रिस्पेक्ट इज महेश एंड मी पुट इन दोज हार्ड यार्ड्स. वो मेहनत तो की है. सम डेज व्हेन वी हैड अ बर्निंग फीवर और सम डेज व्हेन हिज हैमस्ट्रिंग वाज हर्टिंग और माय शोल्डर वाज हर्टिंग और व्हेन वी वर सो एग्जॉस्टेड फिजिकली और मेंटली, वी स्टिल पुट इन द हार्ड वर्क टू मेक इंडिया चैंपियन. But then out of that also came in a need to breathe fresh air. And that I don't think we did that greatly. I think that maybe we should have taken holidays alone. Maybe we should have done a few things differently. Aur zyada nahi kehna chahta hun kyunki ab tak release nahi hua hai Breakpoint. Magar jab release hoga pehla tarikh ko aur when you see these episodes, you will see a very unique perspective which is very real from two separate individuals' perspectives, two families' perspectives, and what everybody else on the outside perceived them to be. But really it was right. Mahesh and I who thought the dream. We built the dream. We worked hard for the dream and we achieved the dream. What was maybe a mistake also was that we didn't look beyond winning Wimbledon. We didn't have the time and the space or the imagination to look beyond being world number one. Shayad ye hamara galti hai shayad. Bas do teen sawal aur, I am sure aapko aur bhi interviews karne. Mahesh sabse achhi acting kisne ki? This was a docudrama, right? So documentary. So it was literally like this. We were talking into camera. So it was pretty easy. There was no acting required, thank God. And everyone talking is talking in the same format, you know, be it our family, our friends, our colleagues, our the media. So yeah, I think it has been captured like that. So there was no need for acting from my perspective. अच्छा कुछ controversies, love life इसके बारे में भी बताया इसमें या उसमें छुपा गए बचा गया? I'm not going to divulge everything now. So hopefully October 1st, you'll get all your answers. Great. My final question. Mahesh, Leander ko ek near-death experience hua. Aapko yaad hoga wo time. And I'm sure is docu-series mein Leander ki us life ko bhi aapne cover kiya hoga, us aspect ko bhi. Mahesh, aap us time, aap were you scared? I mean, मुझे नहीं पता उस टाइम आप लोग टॉकिंग टर्म्स पे थे, क्या रिलेशनशिप था मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं वैसे पूछ रहा हूँ, पूरा इंडिया लिएंडर के लिए प्रे कर रहा था उस टाइम, आपके मन में क्या चल रहा था? Yeah, I think yeah, of course we were very worried. We did not know the magnitude of the problem because we were getting second hand information. You know, Sanjay was with him alone, uncle was on his way back from Calcutta to Florida. So yeah, it was a very scary few days, but you know, very quickly we heard that it wasn't the worst case scenario and it was just a parasite which could be cured with you know, all the treatment and steroids he took. But yeah, those 3-4 days were, everyone was on tender hooks. Okay, great. I won't keep you long. Thank you so much, Leander and Mahesh, and I wish you luck. Thanks, Manu. I hope. Thank you so much. I enjoyed the conversation so much. और मुझे पता है मेरे दर्शक भी ये conversation enjoy करेंगे और यहाँ से tease होके जाएंगे और 1st of October का wait करेंगे Breakpoint के लिए. Thank you so much. Thanks.